ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का आह्वान किया। इस संदर्भ में मंगलवार को केदारघाट स्थित विद्यामठ में आयोजित प्रेस वार्ता में स्वामी जी ने बताया कि इस गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत 13 दिसंबर को वाराणसी से भारत के सभी प्रदेशों के लिए गौ दूतों की नियुक्ति किया जाएगा। यह गौ दूत संत उन प्रदेशों के गौ भक्तों से मिलकर आंदोलन को गति प्रदान करेंगे, जबकि आगामी 4 जनवरी 2024 को वृंदावन में सभी प्रदेशों के गौ भक्तों की एक विशेष गौ सभा आयोजित होगी, जिसमें आंदोलन के विविध पहलुओं को स्पष्टता देते हुए कमर कसी जाएगी। 15 जनवरी से 23 जनवरी तक 9 दिनों में दिल्ली में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के लिए 9 विशेषज्ञ समूहों की बैठक आयोजित की जाएगी। शंकराचार्य ने कहा कि इस आंदोलन से भी काम नहीं बना तो 30 जनवरी को विशेषज्ञों से प्राप्त निष्कर्षों के साथ गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के लोगों का प्रतिनिधि मंडल देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे। यदि फिर भी काम नहीं बना तो 6 फरवरी 2024 को प्रयागराज में बृहद गौ सांसद का आंदोलन होगा, जिसमें देश की सभी संसदीय क्षेत्रों से एक गौ प्रतिनिधि मनोनीत होकर सम्मिलित होंगे और देश की जनता की ओर से प्रस्ताव पारित करेंगे। इसके बावजूद यदि फिर भी काम नहीं बना तो दिन 10 मार्च को पूरे देश से दिल्ली में गौ भक्त एकत्रित होंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। इस मौके पर अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति की आत्मा है। महाभारत के अनुसार सृष्टि की रचना के इच्छुक ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गौ माता का निर्माण किया था ताकि उनकी सृष्टि का पोषण हो सके। पोषण के अपने इसी गुण से गाय विश्व माता कहलाई। इसे वेदों और पुराणों में अहन्या अवध्या कहा गया, पर दुर्भाग्य से इस समय विश्व में सबको पालन पोषण करने वाली को काटने और खाने का चलन हो रहा है, जो कि भारतीय कृतज्ञ संस्कृति पर कलंक की तरह है। शंकराचार्य ने कहा कि पूर्व काल में राजा परीक्षित के सामने कलयुग में डंडे से गौ को मारना चाहा था, तब वे उसे मृत्यु दंड दे रहे थे और आज के राजा गाय को काटने और कल्याण पुकार करते हुए देख कर भी कैसे चुप रह सकते हैं। गौ माता के इसी करुण पुकार को सरकार के सामने सरकार के सुनाने और सरकार द्वारा गौ व्यथा को दूर कर उन्हें अभय और प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी गौ प्रतिष्ठा आंदोलन आरंभ हुआ है, जिसको देश के चारों पीठों के पूज्य शंकराचार्य एवं अन्य विशिष्ट धर्मचारियों के साथ साथ कुछ प्रदेशों के विधानसभाओं का भी सहयोग मिल रहा है। देश में गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए संतों ने आंदोलन आरंभ किया है। उसी आंदोलन में समर्थन देने के लिए, सहयोग देने के लिए हमसे भी उन्होंने अनुरोध किया था, तो हमने आज अपनी ओर से 37 संतों को 37 प्रदेशों में गौ माता के इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए भेजा है। बस इसी बात को बताने के लिए आपके साथ महाराज जी, राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा, आप जा रहे हैं? राम मंदिर की बात तब होगी जब गौ हत्या की बंदी हो जाए, उसके पहले बाकी चीज़ें हमारे फोकस में नहीं है, हमारे ध्यान में नहीं है, हो रही होंगी। हमारे तो बस एक ही ध्यान है इस समय कि गौ माता की रक्षा हो। महाराज जी, संत जो है किस तरह से आपका समर्थन कर रहे हैं, किस तरह ये संत जो है आए हैं, संत महात्मा किस तरह समर्थन कर रहे हैं? जगह जगह से आए हैं और सब कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और हम इसके लिए समर्पित हैं और वो जो आप कहें करने को तैयार हैं।